Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FAI. So students, ek naya chapter ke sath hum aaj mil rahe hain jo ki hai the living organisms and their surroundings. Ye chapter ka meaning to aapko समझ आ गया होगा, ठीक है ना. लिविंग ऑर्गेनिम्स आपको पता होता है क्या होता है और सराउंडिंग भी आपको पता है क्या होता है. तो इसमें हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किस बारे में, हैबिटेट. ये हैबिटेट जो होता है वो क्या होता है. चलिए, द सराउंडिंग्स इन विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल और अनदर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. अब ये हैबिटेट क्या होता है, सराउंडिंग, ठीक है ना. द सराउंडिंग, सराउंडिंग जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट भी है, प्लांट हो, एनिमल हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, वो रहता हो, ठीक है ना. हम एक हिसाब से बोलेंगे होम, ठीक है ना. जहाँ पे, जिस सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी और दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता हो, उसको हैबिटेट बोलते हैं. समझ गए. Good. The organism depend for their food, water, air, light, shelter and other needs on their habitat. तो students, अब ये तो सीधी सी बात है, जहाँ पे हम रहते होंगे, ठीक है ना, जहाँ पे हम रहते होंगे वहाँ पे तो हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, लाइट चाहिए, शेल्टर चाहिए, छत चाहिए रहने के लिए, है कि नहीं, अपनी सर्वाइवल के लिए, ताकि हम रह पाएँ, जिंदा रह पाएँ, ज़रूरी तो है. A habitat provides everything to organism which they need for their survival. उनको वो कौन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कौन करता है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है. मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उनको उधर पे हर किसी, हर कोई ज़रूरत जो होती है वो पूरी हो जाती है. लाइक फूड चाहिए होता है वो, मतलब वो मिल जाता है, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर वगैरह मिल जाता है, ठीक है. वो उनको कौन प्रोवाइड करता है, हैबिटेट, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है, समझ गए ना. फॉर एग्जाम्पल, हम लैंड पे रहते हैं, ठीक है ना, हम लैंड पे रहते हैं तो जहाँ पे हम रहते हैं तो हमें हर किसी चीज़ की, मतलब हमें हर कोई चीज़ मिलती है ना, हवा भी मिलती है, पानी भी मिलता है, खाना भी मिलता है, लाइट भी मिलती है, शेल्टर भी मिलता है कि नहीं, ठीक है ना. और फिश की बात करें, फिश पानी में रहती हैं, ठीक है, उनका वही हैबिटेट है, तो उनको उधर भी हर किसी चीज़, किस्म की चीज़ जो है वो मिल जाती है, जो जिससे वो ज़िंदा रह सकें, समझ गए ना. गुड. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, ये तो पता ही है. मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और मुख्तलिफ किस्म के जानवर, एनिमल्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब हम बोलेंगे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं, ठीक है ना. समझ है ना आपको. ये तो मैंने आपको बोला, हम लैंड पर रहते हैं, फिश पानी में रहते हैं, कोई पेड़ पर, मतलब डिफरेंट जगहों पर रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं. ऑल्सो सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट. और क्या होता है, काफ़ी किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेम हैबिटेट, एक ही हैबिटेट जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है ना, एक ही हैबिटेट में रहते हैं. हम एग्जाम्पल लेंगे पॉन्ड्स की. पॉन्ड्स में क्या होता है, लोटस भी होते हैं जो कि एक प्लांट है, है कि नहीं, डक्स भी होते हैं, फ्रॉग्स भी होते हैं, ठीक है ना. तो हो गया ना, किया ना, इन्होंने सेम हैबिटेट शेयर, है कि नहीं. तो ये हो गया हैबिटेट. क्या होता है हैबिटेट, सराउंडिंग जहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, रहता हो, उसको हैबिटेट बोलते हैं. और उनको ये ज़रूरी चीज़, जहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म होता है उनको ये ज़रूरी चीज़ें लाइक फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर कौन प्रोवाइड करता है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं. समझ गए आप, समझ गए ना. ये थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन था. इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.